385,000 रुपए का कर्ज 12 साल में चुकाए 10 लाख से ज्यादा रुपए, फिर भी आया 2.5 लाख के कर्ज का नोटिस। अब बाबा का कर्ज कैसे चुकाएंगे पोते? जी हाँ, ये कर्ज की चक्की में पिसते एक किसान और उसके पूरे परिवार की कहानी है। मध्य प्रदेश के सतना के रामचरण पटेल ने साल 2006 में इलाहाबाद बैंक से ट्रैक्टर के लिए 385,000 का कर्ज लिया। तब से लेकर अब तक वे इस कर्ज के बदले बैंक को 10 लाख से ज्यादा की रकम जमा कर चुके हैं। इस बीच रामचरण के बेटे राम प्रताप को कैंसर हुआ और आर्थिक तंगी के चलते वे इलाज नहीं करा सके और उनकी मौत हो गई। कुछ महीनों पहले रामचरण भी चल बसे, लेकिन अब घर पर फिर बैंक से 2.5 लाख रुपए के बैंक कर्ज की वसूली का नोटिस आ गया है। 2,30,000 की फिर नोटिस आ रही है हम लोगों के नाम पे। तो कितना कर्ज जमा कर चुके हो अभी तक हिसाब लगाया तो? 10,05,000 से। कर्ज कितना था? कर्ज था 3,85,000। अब बाबा का लिया कर्ज कैसे चुकाएंगे, ये सवाल अमित और उनके भाइयों के सामने खड़ा है। आर्थिक हालात खस्ता है, मजदूरी कर जैसे तैसे घर चलाया जा रहा है। ऐसे में 2.5 लाख रुपए का कर्ज का नोटिस इनके लिए पहाड़ जैसा बन गया है। ब्लड कैंसर में 6 महीना बाद हमारे ससुर जी खत्म हो गए। हमारे 3 बालक हैं सर, तो पढ़ लिख रहे थे तो भी पढ़ाई छोड़ दिए। अब मजदूरी करने गए, माजी वाला भी मजदूरी करने लगा, छोट वाला भी बोलता है हम भी पढ़ेंगे, तो उन दोनों मजदूरी करके पढ़ा रहे। अब कास कर दे सर, खाने के लिए कुछ नहीं है, घर भी नहीं है रहने के लिए। बालक हमारे रोते हैं सर, हम कहाँ खवाएं उनको। हालांकि मामला सामने आने के बाद अब अधिकारी और जनप्रतिनिधि जांच करने और मदद देने का भरोसा दे रहे हैं। 10,05,000 रुपए जमा किया हमने, मैं इसकी जांच कराता हूं और अगर इसमें कोई अनियमितता मिलती है तो उन बैंक कर्मियों के अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक नोटिस की बात है, नोटिस को भी मैं उसको एग्जामिन करूँगा। 3.5 लाख का उन्होंने लोन लिया था और शायद 10.5 लाख रुपये चुका चुके हैं, उसके बाद भी उनके पास बैंक का 2.5 लाख रुपए का नोटिस गया है। मेरे संज्ञान में नहीं था, मैंने अभी उनका नंबर प्राप्त किया है जो हितग्राही का, तो मैं उनको परसों बुलवाऊंगा अपने पास और निश्चित तौर पर मुझसे जो भी हो सकेगा, शासन प्रशासन जो भी, मैं जहां जितना भी मैं उनके लिए कर सकूंगा निश्चित तौर पर मैं करूंगा। 385,000 के कर्ज के बदले 10 लाख से ज्यादा रकम चुका देने के बाद भी 2.5 लाख रुपए का कर्ज बना रहना, इस गणित को समझना शायद मुश्किल होगा। लेकिन कर्ज के भंवर में फंसे देश के किसानों की ये कहानी सिर्फ सतना के रामचरण तक सीमित नहीं है, जहां कर्ज से दोगुना तिगुना पैसा वापस कर देने के बाद भी किसानों की 3-3 पीढ़ियां इसमें खपी जा रही हैं और बर्बाद हो रही हैं। मध्य प्रदेश के सतना से मृदुल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।